नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजलटेक एनालिसिस। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में। तो बैंक निफ्टी की देखिए, हम यहां पर डेली वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। तो वहां पर हम बताते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम इस बैंक निफ्टी की वीडियो में चर्चा करते हैं। तो फाइनली देखिए, आज जो है बैंक निफ्टी में हमने देखा है, सवेरे के टाइम में देखिए फर्स्ट सेशन में हमने एक डाउनफॉल देखा, और डाउनफॉल के बाद जो आज हमने देखा एक जबरदस्त वहां से बाउंस बैक देखा। तो वहां पर मेरे कई लोगों के मैसेज भी है टेलीग्राम पे कि सर ये बाउंस बैक का कारण क्या है। तो बाउंस बैक का कारण देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को चार्ट मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि ये जो सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल ही बाउंस बैक का कारण था। दूसरा, हम कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी हैं। तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मान लीजिए, या तो इसका सपोर्ट ये मान लीजिए 28,950 के आसपास से, जहां से हम बाउंस बैक हुए। फाइनली देखिए, मैंने यहां पर पहले हम बात करेंगे इस कैंडल की। तो ये कैंडल अगर हम देखें तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको यहां पर दिखाई दे रही है। इसको देखिए, हम हैमर नहीं कह सकते, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो इसका देखिए जो हाई लगा है, वो हाई जो लगा है 29,010 का लगा है, और जो इसका लो लगा हुआ है वो 28,977 का लगा है। तो मे बी हम यहां पर कह सकते हैं कि हम 700 से 800 पॉइंट्स के बीच में हम यहां पर ऊपर नीचे घूमते रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन में देखिए हमने एक गिरावट देखने को मिली थी हमको। उस गिरावट में देखिए, मैंने आप लोगों को एक चार्ट पोस्ट किया था, और वहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की थी। मैंने बताया था वहां पर, मैंने सिंगल साइडेड व्यू दिया था, नीचे की तरफ का मैंने एरो बनाकर दिया था। देखिए, जिस चार्ट में मेरे दो तरफ के एरो होते हैं, मीन्स ऊपर का भी और नीचे का भी एरो होता है, उस चार्ट में हम न्यूट्रल होते हैं। और जिस चार्ट में हमारा सिंगल एरो होता है, वो समझ लीजिए वहां पर मैं बिल्कुल एक तरफ, मतलब वन साइडेड हमारा व्यू होता है। तो वहां पर फाइनली देखिए, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, और ब्रेकआउट होने के बाद वहां से 300 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी नीचे गिरी। तो मैंने आपको वो चार्ट दिया था, उम्मीद करता हूं कि आप उस चार्ट जो है, चार्ट ने आपकी हेल्प की होगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए, और आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए, उसके बाद मैंने एक जो है बाउंस बैक जो यहां से हुआ, जो बहुत शार्प बाउंस बैक हुआ, यहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए चार्ट पोस्ट किया था कि यहां से मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो बाउंस बैक हो सकता है, एक सपोर्ट मैंने आपको रेजिस्टेंस बनाकर दिया था। तो फाइनली वो ब्रेक हुई, और देखिए बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिली। आज हमने देखिए यहां पर 9 ट्रेड लिए, 9 के 9 ट्रेड यहां पर प्रॉफिटेबल हमने लिए। मोर देन हमारी आज जो रेशियो आई है, वो 1:4.5 की हमारी रेशियो आई है यहां पर आज। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज, समझ लीजिए हमने जो, तो देखिए शायद मैं कल ट्रेड ना करूं, क्योंकि मोस्टली मैं जिस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाता हूं उसके अगले दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूं, मार्केट वॉच करता हूं बट ट्रेड नहीं करता हूं। बट चलिए, कल का मार्केट का सिनेरियो देख के हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को कंटिन्यू मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर आपको चीजें समझाता हूं, बताता हूं कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है, या फिर यहां से बाउंस बैक हो सकता है या डाउनफॉल हो सकता है, वो सारी चीजें देखिए मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बताते रहता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन की ट्रेडिंग सीखने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए, हम यहां पर चलते हैं अब 5 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में हम जो है अपने ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरह से ट्रेड लिए। सबसे पहले मैं आपको अपना पहला ट्रेड बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो मैं यहां पर आप लोगों को 2 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा। तो ये फाइनली हमारा 2 मिनट का चार्ट में हम आ चुके हैं। तो ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन देखिए मैंने आपको दी थी सवेरे मॉर्निंग सेशन में, कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैंने एक डाउन एरो आपको बनाकर दिया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम नीचे इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ये जो नीचे सपोर्ट लेवल था वो 28,950 से 70 के आसपास में था। तो फाइनली देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद हमने यहां पर ट्रेड भी लिया था। और फाइनली देखिए, यहां से जो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए 29,340 के लेवल से लेकर के ये जो नीचे की तरफ आया, ये 28,980 के आसपास, तो हम कह सकते हैं मोर देन 300 पॉइंट्स हमको जो है यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए एक लास्ट सेकंड सेशन में शायद 12 बजे के बाद मैंने आप लोगों के लिए चार्ट पोस्ट किया था, और वो चार्ट कुछ इस तरह का था। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करता हूं और आपको बताता हूं उस चार्ट के पीछे का लॉजिक क्या था। तो उस चार्ट के पीछे का लॉजिक ये था, इसको ध्यान से देखिए, ये चार्ट भी मैंने आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम में, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो हम यहां पर ऊपर की साइड जा सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो फाइनली देखिए, मैं इसके पीछे आपका लॉजिक समझाने जा रहा हूं, क्या लॉजिक था इसको लेने के पीछे। तो देखिए, यहां पर एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी था कि ये सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर जाएगा। दूसरा, अगर हम यहां पर अगर कंटिन्यू देखें तो यहां पर लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, और इसको देखिए यहां पर हमको एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, और फाइनली जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हम इस ट्रेड में एंटर हुए, और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला। और उसके बाद देखिए, मैंने लास्ट टाइम में आपको 2 बजे के बाद मैंने आपको एक चार्ट इस तरह से बनाकर पोस्ट किया था कि अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहां पर सेल साइड जाने वाले हैं। फाइनली देखिए, हम 8 ट्रेड कर चुके थे और अच्छा प्रॉफिट बना चुके थे, बट ऐसा ट्रेड देखने के बाद जो है दिल है कि मानता नहीं, फिर दोबारा हमने ट्रेड लिया और वहां पर भी जो हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ये जो है मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिए, जो मैंने चार्ट मैंने आपको दिए, इन सबके पीछे का यही लॉजिक था। अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में और देखेंगे कल के लिए
क्या प्रोबेबिलिटी है, हमको कल क्या करना चाहिए, कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस, कौन सा ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, या ट्रेडिंग सेटअप हम देखेंगे अपना। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो देखिए ये जो सपोर्ट लेवल था 28,950 के आसपास, तो ये एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट यहाँ से कई बार बाउंस बैक हो चुकी है, और ये जो है पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये फाइनली सपोर्ट बना, और यहाँ से हम सपोर्ट से फिर बाउंस बैक हुए। अब देखिए कल को हमको क्या करना है, किस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए ये अब हमारे पास जो ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो रेजिस्टेंस जो है वो 28,700 का, 28,700 का रेजिस्टेंस इस टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर हमको ऊपर की तरफ जाना है तो हमको इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करना होगा। अगर कल के सेशन में 10 बजे से पहले, 10:30 बजे से पहले इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो है क्लोजिंग आ जाती है, तो मे बी हम यहां पर कम से कम 300 से 400 पॉइंट्स का अप मूव देखने वाले हैं। देखिए अब मैं आपको यहां पर तीन सिनेरियो बताऊंगा कि हम यहां पर किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, एक गैप डाउन का बताऊंगा, गैप अप का बताऊंगा, और फ्लैट ओपनिंग में। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, देखिए मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। यहाँ मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस तरह से यहाँ पर मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर होल्ड करता है, इस तरह से होल्ड करता है, और यहाँ पर एक रेंज बनाता है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, जब यहाँ पर रेंज बना लेगा तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हम रेंज, ये हमारा रेंज हो जाएगा, हम हमारा रेंज डिसाइड हो गया यहाँ पर। तो जब इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, तो आपको वहां पर ट्रेड लेना है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, और कम से कम यहाँ पर आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपको कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना है नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए, सेल तरफ की तरफ जाने के लिए। तो ये हमको करना है, देखिए फ्लैट ओपनिंग अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। दूसरा देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप ओपन हो जाती है तो वहां पर हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट के बाद ही हमको ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसके लिए ऊपर के लिए एक हर्डल है, ठीक है। सो यहां पर देखिए अगर हम यहां से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा सकते हैं। देखिए इस ट्रेंड लाइन के, देखिए मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। देखिए अब मेरा कर्सर, देखिए कर्सर कहां पर है, अब मैं यहां से देखिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, जो सपोर्ट था वो फाइनली यहां पर आके रेजिस्टेंस यहां पर बन गया है, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर यहां से मार्केट निकलती है, ठीक है, यहां से अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहां पर मे बी 30,300 के लेवल तक जा सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है हमारे लिए। अगर मान लीजिए यहां पर मार्केट का गैप अप ओपन होता है और आपको 30,300 के आसपास मिलता है, तो यहां पर आप क्लियर कट सेलिंग करिए, ये हमारा सेलिंग जोन है, ध्यान रखिएगा 30,300 हमारा एक सेलिंग जोन है। तो यहां से जब भी मार्केट हमको मिले, हमको यहां पर सेल करना है। अब देखिए ये तो थी गैप अप ओपनिंग की बात, अब बात करेंगे हम गैप डाउन ओपनिंग की। यहां पर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए क्या सिनेरियो बनेगा यहां पर। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फर्स्ट बॉटम, हमको एक बॉटम मिला हुआ है, और यहां से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हमको यहां कहीं इसके आसपास मिलता है 28,950 के आसपास, या 28,100 के आसपास, सॉरी 28,950 के आसपास या 29,000 के आसपास मिलता है, तो यहां पर देखिए हमारा एक डबल बॉटम फॉर्म हो जाएगा। देखिए चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से चीजें देखेंगे समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग बहुत आसान लगेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। जब तक आप चीजों को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक यहां से पैसे बनाना मुश्किल है, और समझने के बाद पैसा कमान यहां से पैसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी। आप मेरे पे विश्वास करिए कि यहां पर अगर आप कुछ चीजें सीख जाते हैं, जो चीजें हम अपने स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऑप्शन की टेक्निक है, कुछ इंट्राडे की टेक्निक है, कुछ टेक्निकल कुछ टेक्निक है, तो वो सब चीजें अगर आपको मतलब प्रॉपर अगर आप सीखते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो पैसे कमाना यहां से बहुत आसान है, बस आपको जो है अपने रूल फॉलो करने हैं। तो देखिए हमने बात गैप अप ओपनिंग की कर ली कि ये हमारा सेलिंग जोन है, यहां पर हमको सेल करना है, और फ्लैट ओपनिंग कर ली कि यहां पर एक रेंज बनने के बाद हमको जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ हो लेना है, और तीसरा देखिए यहां पर अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे पास फर्स्ट बॉटम हमको मिला हुआ है, और यहां पर अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमको यहां पर दूसरा बॉटम मिल जाएगा, और दूसरा बॉटम मिलने के बाद यहां से बाउंस बैक हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां से एक बार बाउंस बैक हुए हैं, और इनमें भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम यहां से दोबारा बाउंस बैक होंगे। सो आप लोगों को वेट करना है, पेशेंस रखना है, इस लेवल पर मार्केट को मिलने का, या फिर इस लेवल पर मार्केट को मिलने का, या फिर इस यहां पर रेंज बनने का वेट करना है, रेंज को ब्रेकआउट का वेट करना है। देखिए मैंने अपना जो भी है मैंने टोटली ओपन खोल के आप लोगों को बता दिया है कि मैं कल किस तरह से ट्रेड करूंगा, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे तो कल आप जो है बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी
निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक ने देखिए फाइनली जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 570 के नीचे हमको यहाँ पर जो है सेल करना है, तो 570 के नीचे जो हमारा यहाँ पर जो देखिए जो फर्स्ट जो कैंडल हमारी यहाँ पर बनी थी उसको हम यहाँ पर देखिए 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो देखिए 5 मिनट की ही जो कैंडल थी वो जो है ये देखिए थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई थी। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में तो हमको यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं था। सो यहाँ पर हम सिर्फ हमारा नीचे की तरफ का व्यू था। सो यहाँ पर अब जो हम कैंडल देख रहे हैं वो हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। अब देखिए कल को हम यहाँ पर क्लियर कट जो हम सेल के लिए जाने वाले हैं वो 572 के नीचे हम यहाँ पर क्लियर कट सेल के लिए जाएंगे। 572 के नीचे हमारा टारगेट 565 और जो है 560 होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए फाइनली जो ट्रेंड लाइन था हमने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया था, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक जबरदस्त मूव देखने को मिली थी। अब देखिए इतनी बड़ी मूव के बाद एक या दो दिन यहाँ पर होल्ड करना जरूरी है। अब अगर यहाँ पर एक या दो दिन होल्ड करता है, मे बी यहाँ पर कोई डोजी कैंडल वगैरह बनाता है, उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है 367 का, तो हम यहाँ पर मे बी देखिए कहाँ तक आ सकते हैं, 330 तक आ सकते हैं। ये 300 हमारा टारगेट है, 330 हमारा टारगेट है। तो हम इस लेवल को 367 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर 330 तक आ सकते हैं, तो इस पर नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। तो फाइनली देखिए HDFC बैंक के बारे में जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि HDFC बैंक जो कल गिरावट हुई थी वो इतनी ज्यादा इसमें गिरावट नहीं हुई थी और फाइनली इसने अपनी रेंज ब्रेक नहीं की थी। अब देखिए ये जैसे ही बार बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेने के नीचे की तरफ आ रहा था, वैसे देखिए नीचे की तरफ अब जो है सपोर्ट देने के बाद ये अब ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर जो कैंडल बनी हुई है वो कैंडल भी एक हम इसको हैमर कैंडल कहते हैं। तो यहां पर एक बुलिश कैंडल होती है, अगर कल ये 1385 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहां पर 1400 और 1415 रुपए के टारगेट के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहां पर रखी हुई है, ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, मैं इसको डार्क कर देता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, फाइनली देखिए कल जो गिरावट हुई थी वो ट्रेंड लाइन तक ही हुई थी और फाइनली देखिए आज ट्रेंड लाइन से ही बाउंस बैक हो गया। तो यहां पर देखिए कल हमको सेल के लिए नहीं देखना है, यहां पर कल हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहां पर 502 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर आप जो है बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट हमारा 510 और 515 रुपए रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने देखिए यहां पर एक क्लियर कट, अगर आपको चीजें यहां पर जो चीजें मैं समझाता हूं बताता हूं अगर आप चीजों को समझते हैं ध्यान देते हैं तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एक इनसाइड कैंडल हमको यहां पर बन रही है। अब क्योंकि देखिए क्योंकि कल का जो लो था वो भी सेम है और जो आज का लो है वो भी सेम है, 812.50 रुपए के आसपास। तो कल अगर 812 रुपए का लेवल यहां पर ब्रेक करता है तो हम यहां पर कल एक बहुत तेज डाउनफॉल देख सकते हैं, इसी का ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारा टारगेट जो रहने वाला 765 का हमारा टारगेट है, तो 812 रुपए के नीचे 810 रुपए के नीचे आप ट्रेड करिए, 810 रुपए के नीचे हम बहुत तेज एक डाउनफॉल देखेंगे। तो इस चीज को ध्यान से ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक के लिए भी ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी अब कल यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना सकता है, डोजी कैंडल बनाने के बाद कोई हैमर कैंडल बना दे, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सो इसको अभी शॉर्ट मत करिएगा, कोटक बैंक मेरे को अभी जो है इतना वीक नहीं लग रहा है जितने और सारे स्टॉक हैं। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक ने देखिए फाइनली जो कल की जो डाउन मूव हुई थी इसने अपने सपोर्ट के आसपास देखिए एक इसने जो है यहाँ पर भी ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना दी है, जैसा कि हमने अभी बैंक निफ्टी में देखा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 215 का, 215 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी हम यहां पर बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर ये 197 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर देखिए 185 के लेवल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देखिए फाइनली अपने सपोर्ट के आसपास जो है एक हैमर कैंडल बना दी है, सेम HDFC बैंक में जैसा हमने देखा, जैसा हमने ICICI बैंक में देखा, उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखिए सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल बनी हुई है। सो अभी यहां पर शॉर्ट मत करिएगा 250 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, जब 250 के नीचे क्लोजिंग आएगी तब हम इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज कल ये थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है, 260 रुपए के ऊपर निकलता है तो 265 रुपए तक जा सकता है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।